पर बड़ी खबर आपके लिए आती हुई दिख रही है टाटा मोटर्स के लिए। इस तिमाही से सेमीकंडक्टर के सप्लाई में आपको सुधार आते हुए दिख सकता है। ये बयान आ रहा है TSMC की तरफ से। ये ताइवान की कंपनी है, विश्व की सबसे बड़ी सेमीकंडक्टर सप्लाई करने वाली कंपनी है, और ये कह रहे हैं कि अब जो सेमीकंडक्टर की शॉर्टेज है उसके सप्लाई में आपको बढ़त आती हुई दिख सकती है। अनिल जी, कैसे देखें इस खबर को, क्योंकि टाटा मोटर्स ने जो JLR ने कुछ समय पहले एक अपडेट जारी किया था, उन्होंने कहा था कि सेमीकंडक्टर शॉर्टेज से परेशानी हो सकती है। कैसे देखना चाहिए सर इस खबर को जो TSMC अब कह रही है कि सप्लाई बढ़ेगा आगे जाकर? दीप, यही खबर थी जो टाटा मोटर्स को 350 से 310 तक लेकर आई है, और यही सबसे बड़ी राहत की खबर है। मतलब टाटा मोटर्स के लिए इससे बढ़िया खबर आ नहीं सकती। आपको याद होगा, अचानक से एक दिन टाटा मोटर्स 10% गिरा और हम सब ने हाय तोबा मचे, अरे ये क्या हो गया, अरे ये वो क्या हो गया, ऐसा क्या हो गया। और उसकी वजह यही थी कि टाटा मोटर्स की तरफ से एक संकेत ये आया था कि सेमीकंडक्टर्स की सप्लाई में कमी है और उसके चलते हुए प्रोडक्शन में इश्यू आएगा। अब ये ताइवान की जो कंपनी है TSMC, ये दुनिया की सबसे बड़ी सेमीकंडक्टर सप्लाई कंपनी है, और अच्छा टाटा मोटर्स को ये सप्लाई करती भी है। तो दोनों तरीके से, सबसे पहली बात तो ये कि ये सबसे बड़ी सप्लाई कंपनी है, और दूसरी बात ये सप्लाई करती भी है। इन्होंने कहा कि सप्लाई जल्दी बढ़ेगी और इसी तिमाही से सेमीकंडक्टर्स की सप्लाई बढ़ जाएगी और कोई चिंता की बात नहीं है। तो पहले टाटा मोटर्स ने भी कंफर्ट दिया कि जल्दी सप्लाई नॉर्मल होनी चाहिए, और अब ये पूरा का पूरा एक्शन आता हुआ दिखा है TSMC की तरफ से, जो दुनिया की सबसे बड़ी सेमीकंडक्टर सप्लाई कंपनी है, और वो ये कह रहे हैं कि हमारी सप्लाई जल्द बढ़ने वाली है, आप चिंता मत कीजिए, आपको जितने सेमीकंडक्टर्स चाहिए वो इसी तिमाही से मिलना शुरू हो जाएंगे। और ये सब कुछ कहा है उन्होंने अपनी एक कॉल में, जो उन्होंने पूरा विस्तार से बताया है कि क्या कुछ हुआ है। और सबसे बड़ी बात है, पूरी तरह से उन्होंने कहा कि अपने जो कस्टमर्स हैं TSMC के, उन्हें जल्दी वो सेमीकंडक्टर्स की सप्लाई बैक टू नॉर्मल कर देंगे। और अगर सप्लाई बैक टू नॉर्मल होगी तो फिर टाटा मोटर्स जो आपके लिए 10% से ज़्यादा गिरा था उस दिन, और उसके बाद भी गिरा, उस दिन गिरकर 320 आया था, फिर गट आके 307-8 तक गया, और वहां पर हमने कहा भी था, और याद है आपको दीप, कि हम उस दिन कह भी रहे थे कि ये टाटा मोटर्स खरीदने का वक्त है, 310-15-20 ये भाव बेचने का नहीं है। और अभी भी हम ये कहेंगे ये वापस से आपको पुरानी लेवल्स पर जाने की तैयारी करता हुआ दिखेगा। लेकिन एग्जैक्टली ताइवान की इस बड़ी कंपनी ने क्या कहा है, क्या कुछ हुआ है, हमारे रिसर्च एनालिस्ट कुशल गुप्ता हमारे साथ है। कुशल ने पूरी तरह से ये न्यूज ट्रैक की और सबसे पहले बताई भी है कि TSMC की तरफ से क्या कुछ स्टेटमेंट आए। कुशल, जरा विस्तार से बताइए क्या कुछ कहा है TSMC ने, और इससे टाटा मोटर्स पर कितना फर्क पड़ता है? बिल्कुल अनिल जी, तो यहाँ पर TSMC जो दुनिया का सबसे बड़ा सेमीकंडक्टर उत्पादक है, वो ये कह रहे हैं कि इसी तिमाही से जो भी ऑटो मेकर्स हैं, जो कार मेकर्स हैं, जिनको सेमीकंडक्टर की परेशानी पिछले कई महीनों से होती हुई नजर आ रही थी, वो अब फाइनली जो है रिजॉल्व होती हुई इसी तिमाही से दिखेंगी। क्योंकि कंपनी जो है अपना ओवरऑल अगर आप देखें तो जो इनका आउटपुट फॉर माइक्रो कंट्रोलर्स है कार्स के लिए, वो इस साल करीब करीब 60% बढ़ाती हुई नजर आएंगी सालाना आधार पर, और साथ ही करीब 30% जो है ये इजाफा इनके ओवरऑल प्रोडक्शन में होता हुआ दिखेगा प्री पेंडेमिक लेवल से। तो डेफिनेटली काफी ज्यादा जो है कंपनी अपने प्रोडक्शन बढ़ाती हुई नजर आएगी। और ये जो इश्यूज था, खासकर टाटा मोटर्स जिस तरह की प्राइसिंग यहाँ पर रिड्यूस हुई थी, जब इन्होंने टाटा मोटर्स ने कहा था कि सेमीकंडक्टर की जो शॉर्टेज है वो आगे के लिए भी कंटिन्यू रह सकती है, उसका जो इलाज है वो TSMC अब प्रोवाइड करती हुई नजर आ रही है। और डेफिनेटली ये जितने भी ऑटो मेकर्स हैं जिनकी वजह से सेमीकंडक्टर के इश्यूज की वजह से इनकी वॉल्यूम पर इंपैक्ट होता हुआ पड़ता हुआ दिख सकता था, वो अब फाइनली नहीं हो सकता है, ऐसा हम अनुमान करके चल सकते हैं। क्योंकि जिस तरह से TSMC बोल रही है वो डेफिनेटली काफी पॉजिटिव इंडिकेटर्स हैं दोनों ही टाटा मोटर्स और साथ ही M&M के लिए भी। इनफैक्ट टाटा मोटर्स और महिंद्रा दो कंपनियों के लिए बेहद पॉजिटिव खबर आती हुई दिख रही है। टाटा मोटर्स, जरा राय दीजिए आपकी सिद्धार्थ जी इस पर, इस बड़ी खबर के बाद। बहुत पॉजिटिव खबर है, और यही अनिल जी, उस दिन जिस दिन टाटा मोटर में 10% की गिरावट आई थी, उस दिन मैं भी आपके साथ एक लाइव शो पे था, तो वहां पे यही देखा गया था कि ये जो गिरावट है इस पे बाइंग अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए, और वही दिख रहा है आज। बहुत ही बेहतरीन कंपनी है टाटा मोटर्स, और इस टाइप के कंपनियों में अगर जोर से कोई गिरावट आ जाए ऐसी खबरों के कारण, तो वो बाइंग का मौका रहता है। ये जो अटकलें थी वो अब निकल चुकी है, बेहतरीन कंपनी है टाटा मोटर। सबसे बड़ी चीज, टाटा मोटर हमारे भारत में इलेक्ट्रिक व्हीकल का बिगुल बजा चुका है, तो टाटा मोटर बहुत ही अच्छी कंपनी, हालांकि हमारी कोई टारगेट नहीं है, बट बहुत बेहतरीन कंपनी। और बुधवार को, माफ कीजिएगा, मंगलवार को, 13 तारीख को, मंगलवार को, दो दिन पहले हमने ये
खरीदारी करने की राय दी थी। कल के 2000 में 308 309 पर 303 का स्टॉप लॉस था, वो ट्रिगर नहीं हुआ, दो दिन इंतजार कराया। मैं बार बार इसीलिए बोलता हूँ, आप आज के 2000 कल के 2000 जो भी खरीदें कुछ भी करें तो वो 5-7 दिनों का व्यू रखिए, एक दिन के लिए मत करिए, 5-7 दिनों का व्यू रखिए, पोजिशनल रखिए। 317 का पहला टारगेट था उसके बेहद करीब पहुंचा है, 320 325 और फाइनल टारगेट 335 के हैं। तो इन सारे टारगेट्स के लिए होल्ड करें, अभी भी कोई हड़बड़ी और जल्दबाजी ना करें, ये सारे टारगेट्स आते हुए दिखेंगे। टाटा मोटर्स के लिए बहुत बड़ा पॉजिटिव है और 305 रुपये वाला कॉल ऑप्शन भी जो दिया था 13 रुपये पे, वो 20 और 25 रुपये के टारगेट इंटैक्ट है। कल आपको क्लोजिंग शो में टाटा मोटर्स एकमात्र फ्यूचर का स्टॉक सिटी साहब ने भी रिकमेंड किया था और आप देखिए स्टॉक आज एक्शन में आता हुआ दिखा। तो टाटा मोटर्स के लिए बड़ी खबर ये इस वक्त आती हुई दिख रही है।